वेब कंटेंट आई थिंक इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप टेलीविजन आपको कंट्रोल करता है आजकल के ज़माने में, जो अब वेब चैनल्स ने वो तोड़ दिया है, क्योंकि आप किसी भी वक्त कहीं भी अपने फ़ोन पर, और सबके पास आजकल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप इसको लॉग इन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द फ्यूचर। आप यू नॉट डोमिनेटेड बाई एनी टेलीविजन, आपको घर जल्दी आके अपना फेवरेट शो देखना नहीं पड़ेगा, आप रिपीट पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ लाइक अ योर फेवरेट शो ऑन द गो, यू नो, और कितने भी बार देखो। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट एप्लीकेशन टू हैव। शोज इस पे बन रहे हैं, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज अब वेब प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो आई थिंक वे प्राउड के पहली बार हम लोग आ गए और बहुत अलग शो के साथ। इसके प्रमोशंस बहुत अलग तरीके से हो रहे हैं, तो इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द फ्यूचर। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जिस टाइप के टॉपिक्स को टच कर रहे हैं और जैसे इश्यूज को हम अपने एपिसोड्स में कवर कर रहे हैं, आई थिंक सबके सब कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जो कभी रिलेशनशिप में था या आज के टाइम पे रिलेशनशिप में है या शायद कभी फ्यूचर में रिलेशनशिप में जाएगा, विल गेट टू लर्न समथिंग। कुछ तो वो सीखेंगे हमारे एपिसोड से कि नहीं यार, वो उसने ठीक नहीं किया था, वो लड़का गलत था या लड़की गलत थी। तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है टू काइंड ऑफ कंपेयर अपना रिलेशनशिप टू अस, और हम कोई एग्नी आर्ट नहीं है कि हम बैठ के किसी को ज्ञान देते हैं या भाषण देते हैं कि रिलेशनशिप्स ऐसे बनाओ या रिलेशनशिप्स ऐसे बनाओ, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में भी फ्लॉज हैं एपिसोड्स में, हम भी लड़ते हैं, हम भी झगड़ते हैं, बट हम मैसेज ये देते हैं कि यार थोड़ा एडजस्ट तुम्हें करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट मुझे करना पड़ेगा, एंड दैट्स द ओनली वे कि रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। अगर तुम चाहते हो किसी के साथ रहना तो तुम किसी भी तरीके से रिलेशनशिप को गुजार वर्कआउट कर लोगे, और अगर तुम नहीं चाहते हो और तुम्हें दरवाज़ा खोल के बाहर निकलना है तो उसमें भी तुम हज़ार रीजंस ढूंढ लोगे। सो ऐसे कोई हम मॉरल प्रीच नहीं करना चाहते कि यू नो ऐसा देखो यही आइडियल रिलेशनशिप है, हमारे जैसे होना चाहिए, एंड वही उसकी ब्यूटी वो है कि फ्लॉज है, हर रिलेशनशिप में फ्लॉज है और हमारे रिलेशनशिप में फ्लॉज है। लड़कियों का यही प्रॉब्लम है ना, झगड़े में उनका नाम लेके आते हैं। लड़कों का भी यही प्रॉब्लम है कि जब ये कुछ बोलती है तो मैं बोलता हूँ, अरे तुम्हारा वो एक्स बॉयफ्रेंड वो तो नहीं करता था ऐसे, तुम मुझसे इतनी क्यों लड़ती हो। अच्छा। फिर वो बोलेगी यार व्हाई यू ब्रिंगिंग हिम अप, वो तो हो गया ना, तुम ही लेके आ रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है, जब इसको कंपेयर करना होता है तो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हमेशा बीच में आती है, हमेशा। इसको तो मुझे मेरे बॉस से, उसकी जितनी फिट नहीं है, मैं उसकी जितना वर्कआउट नहीं करती हूँ, मैं उसकी जितनी सुंदर नहीं हूँ, तो इट्स नॉट कि मैं ही सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बीच में आती हूँ, तुम भी बहुत। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप में हम सब लड़कियां भी लेके आती हैं कि मतलब कि लड़के का एक्स बॉयफ्रेंड है, ये मेरे पीछे पड़ी है कि मेरा एक, मेरी एक बॉस है, बहुत हॉट सी बॉस है, उसके पीछे पड़ी है यार, वो मुझे तुम्हें मैसेज क्यों करती है। तो ऐसे इश्यूज, ये तो करती है, अभी मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूं। तो इस शो में ऐसे इश्यूज हैं जो एब्सोल्युटली रियल है। फॉर एग्जाम्पल, लड़के ये चाहते हैं कि लड़कियां उनकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो छोटे कपड़े ना पहने, ठीक है, स्पेशली जब वो उसके साथ नहीं जा रही है बाहर। ये इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो आप, बाकी लड़कियां जब छोटे कपड़े पहनती है तो चेकआउट करने सबसे पहले यही जाता है, वो तो करना, वो तो हमारा राइट है। अगर गर्लफ्रेंड ने छोटे कपड़े पहन लिए तो तौबा तौबा, अभी क्या। एक्सक्यूज मी, लेकिन आप मेरी बात से सहमत होना कि हम अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अरे हाँ, दूसरे लड़कों से करने जाते नहीं, उन लड़कियों के उनके बॉयफ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने दो। इफ दे आर अनप्रोटेक्टेड, इफ दे आर अनप्रोटेक्टेड, हमारी क्या गलती है, हम तो देखेंगे। पहनो सारी बार डिस्को में, हमने थोड़ी ना रोका है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक शॉर्ट्स पहनोगे तो कौन सा मर्द नहीं देखेगा। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको इसको समझ नहीं आता। टू फेस्ड है ये, ऐसी है, तो ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं, यहाँ समझती है वहाँ समझती है, ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जो हम लोग टच करते हैं उसे। यार मुझे लगता है कि जितना आप ऐसी चीजों को कंपल्सरी बनाते हो ना कि नहीं तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर सकते, उतना ही आई फील एज अ गर्ल कि मैं उसको पुश करती हूँ कि मुझसे झूठ बोले और एक्चुअली में बात करे। तो उससे बेटर ये है कि लिबर्टी दो, क्या है यार, एक्स गर्लफ्रेंड है, बात कर रहे हो ना, व्हाट्स द बिग डील। तो तुम इस एज अ मैच्योर पर्सन, हम सिंह हमारे रिलेशनशिप इस स्पेस में, हमारा रिलेशनशिप इज नॉट इन द स्पेस कि क्यों मैसेज करते था, हमारा जो शो है वो एक और मैच्योर लेवल पे जाता है जहाँ मैं उसको बोलती हूँ कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम मिलते हो तो मिलो यार, बता तो मुझे। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड ओवर द टॉप ड्रामेटिक, वो जो एग्जैजरेटेड शो होते हैं कि तुम नहीं बात करोगे, तुमने कैसे उसे मैसेज किया। हम वैसे लोग नहीं है, हम नॉर्मल लोग हैं कि यार मिलो, जरूर मिलो, बी फ्रेंड्स विद हर, मैं भी मिलती हूँ, चलो हम तीनों लंच पे चलते हैं, पर छुपाओ तो नहीं ना। क्या है, हम लोग इस मुद्दे को टच करते हैं जरूर। हर रिलेशनशिप में जेलसी होती है, पोजेसिवनेस होता है, इनसिक्योरिटीज बहुत होती हैं आजकल के ज़माने में। व्हेन देयर इज सो मच टेम्पटेशन, मीडिया इतना फैल गया है, वी आर वॉचिंग शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमें एक्सेस हो गया है सब पे, तो इनसिक्योरिटी इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम। पर इसमें हम इस शो में क्या, इस शो के दौरान हम ये दिखाते हैं कि मुद्दा है, हम लोग जेलस हैं, इनसिक्योर हैं, ठीक है,
फिर एक लेवल और चढ़ते हैं एंड वी बिकम मैच्योर एंड वी डिस्कस द प्रॉब्लम. तो मैंने इसको ये भी कहा कि तुम मुझे झूठ बोलने का चांस ही मत दो, बी ओपन विथ मी, कम्युनिकेशन करो तो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. तो हम लोग एक तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग ऑन द लेवल, ताकि नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम हो तो हम लोग वी कैन सिट डाउन एंड से यार लास्ट टाइम यही बात हुई थी, हमने डिसाइड कर लिया था. समवेयर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑल रिलेशनशिप्स आर परफेक्ट और कैन बी परफेक्ट और समटाइम्स शुड नॉट बी परफेक्ट ऑल्सो, बट हम लोग एक प्रॉब्लम को छोड़ते नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, मैच्योरली उसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो. कॉम्पिटिशन कोई है नहीं एज सच, बिकॉज बालाजी अपने टाइप के शोज बनाएंगे, ईरोस अपने टाइप के शोज बनाएंगे, सोनी की पोजिशनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, सोनी उस टाइप के शोज बनाएगी सोनी लिफ्ट पे. एंड आई नो पहले लोगों ने अटेम्प्ट भी किया है, बट इस टाइप का शो किसी ने अटेम्प्ट नहीं करा, स्पेशली लिव इन रिलेशनशिप. हम उन टॉपिक्स को टच कर रहे हैं जो शायद दूसरे लोग टच करने में थोड़ा घबराते हैं, या उन्हें लगता है रिस्क है, या शायद बहुत मॉडर्न है, या थोड़ा ज़्यादा डेयरिंग है, बोल्ड है, यू नो द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर अ टैबू इन इंडिया. और हम लोग वो चीज़ों को जंप करके आगे जा रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा ही है यार, दैट्स हाउ इट इज़. यंगस्टर्स ऐसे ही होते हैं आजकल, आजकल के यंग बॉयज़, यंग गर्ल्स, इवन बाकी लोग जो रिलेशनशिप में होते हैं. तो इफ़ आई वॉज टू से, आई वुड से कि कोई कंपेरिजन रियली है नहीं. ऑफकोर्स इस शो से और लोग इंस्पायर होंगे एंड दे माइट फील कि अरे हमें भी कुछ करना चाहिए. एंड आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्शन हाउसेज, फॉरगेट अबाउट दीज थ्री, और भी बहुत लोग बनाएंगे, शोज बनाएंगे, शायद लिव इन रिलेशनशिप पे भी बना सकते हैं. बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ये एक्चुअली इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड है एंड इट्स द फर्स्ट वन. यस, प्लीज वॉच अभी एंड अनन्या ऑन हैशटैग लव बाइट्स सोनी लिव स्टार्टिंग फ्रॉम 7 सितंबर मंडे और थर्सडे. प्लीज वॉच. यस, बाय बाय.